40,000 रुपए पेंशन दी जाती थी जो कि रोक दी गई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ सुल्तान शाह से। सुल्तान बताइएगा, अब्दुल कादिर की पेंशन क्यों रोकी गई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर की पेंशन रोक दी। अब्दुल कादिर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट पर बेजा तनकीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना भाई एक आंख ना भाई, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि अब्दुल कादिर की जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। जबकि इस सवाल से शोकॉज नोटिस भी जारी किया है। अब्दुल कादिर को 43,000 रुपए पेंशन की मद में अब्दुल कादिर को दिए जाते थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर को अभी नुकसान दे रहे, जबकि अब्दुल कादिर ने फैसला किया है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान जो कि पैट्रन इन चीफ है क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको अब खत लिखेंगे। और इस हवाले से तनकीद जो वो मुसलसल करते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और जो मसाइल दरपेश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, वजीर आजम पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड ले गए। जी, अब्दुल कादिर की तनकीद पीसीबी को हजम ना हो सकी और अब्दुल कादिर की पीसीबी की जानिब से पेंशन रोक दी गई। शुक्रिया सुल्तान शाह, आपने अपडेट किया।